प्रदेश सरकार ने नगरी निकाय की कवायद पेश कर दी है। इसी कड़ी में आज तीनों निकाय के अध्यक्षों का आरक्षण तय किया गया है। दरअसल नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। 13 नगर निगम चुनाव के लिए 2 निगम को महापौर पद के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। इनमें से एक महिला के लिए आरक्षित है, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए एक निगम को आरक्षित रखा गया है। 3 नगर निगम में महापौर पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है, इसमें से एक महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। भिलाई चरौदा में महापौर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वहीं रायगढ़ को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। अंबिकापुर को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो धमतरी, कोरबा और राजनांदगांव में महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें राजनांदगांव महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, बीरगांव, चिरमिरी, जगदलपुर को आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बीरगांव, भिलाई के अलावा चिरमिरी और जगदलपुर को अनारक्षित रखा गया है। इसमें से चिरमिरी और जगदलपुर महिला के लिए आरक्षित हैं। विपक्ष के लगातार आपत्तियों के बीच आरक्षण तय हो गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये कौन कहां, कौन से स्थान पर किस पार्टी के लोग अपने उम्मीदवार उतारते हैं और कौन बाजी मारता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत।